सो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी इंस्टाग्राम पे जो है रिसेंटली अभी एक अपडेट आया है जिसमें कि अगर आप लोग कोई रील्स डाउनलोड करना चाहो तो आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टाग्राम पे वहीं पे ही मतलब आपको रील्स के अंदर ही आपको ये ऑप्शन दे दिया कि आप रील्स को डाउनलोड करके अपनी गैलरी में सेव कर सकते हो। बट गाइस अभी जो है काफ़ी लोगों के अकाउंट में वो नहीं आया है। जैसे कि गाइस मेरे दूसरे अकाउंट में ऑप्शन आ चुका है बट मेरे जो मेन वाला अकाउंट है अभी उसमें नहीं आया है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। बट आप लोगों को कैसे मिलेगा वो भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहना। तो गाइस आप जैसे शेयर के ऊपर यहाँ पे टैप करोगे रील्स में, जैसे आप इसके ऊपर टैप करोगे तो गाइस आपके सामने जो है ऑप्शंस वगैरह शो होने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे शेयर वगैरह कर देते हैं हम रील्स, तो यहाँ पे साइड में ही आपका यहाँ पे शो होने लग जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। बट यहाँ पे देख सकते हैं अभी नहीं आ रहा है। बट गाइस अभी देखना, अभी यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने यहाँ पे जो है डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब गाइस देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है। गाइस सबसे पहले गाइस आप लोग यहाँ से सिंपली बैक जाना है। बैक जाने के बाद गाइस आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आप लोगों को सबसे पहले तो आपको जो है अपना इंस्टाग्राम अपडेट करना है गाइस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे हम प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं इंस्टाग्राम आपको यहाँ पे जो है अपडेट कर लेना है। एंड इसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही अपडेट हो जाए तो उसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम में वापस से मतलब आपको जो है अपने इंस्टाग्राम को वापस से ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, देन आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। जैसे आप इसको ओपन कर लोगे तो गाइस आप लोग को उसके बाद क्या करना है, आपको रील्स में जाना है। ठीक है, आपको सिंपली करना क्या है, रील्स के ऊपर जो शेयर वाला ऑप्शन है उसके ऊपर टैप करना है। यहाँ से आप लोगों को जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहले। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सभी को जो आगे का प्रोसेस है फिर क्या करना है, यहाँ से सिंपली यहाँ पर बैक चलना है, प्रोफाइल वाले ऑप्शन में चले जाना है अपने। एंड आपको ऊपर कोने में थ्री लाइन्स दिख रही है, आपको सिंपली इसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाएगा सबसे फर्स्ट पे। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को सबसे लास्ट में एकदम चले जाना है। एकदम लास्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको जो हेल्प का ऑप्शन दिख जाएगा, हेल्प के ऊपर टैप करना है। एंड इसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे जो है मतलब आपको यहाँ पे रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर टैप करना है। एक बार फ़ोन को अपना शेक कर लेना है एक बारी। ठीक है, एंड इसके बाद आपको रिपोर्ट अ प्रॉब्लम के ऊपर टैप करना है, यहाँ पे इंक्लूड एंड कंटिन्यू कर देना है। फिर इसके बाद आपको गैलरी के ऊपर अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, आपको जो है वो स्क्रीनशॉट ऐड कर देना है इसमें। एंड उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे ये टाइप कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रख रखा है तो आप लोग इसको कॉपी करके आप जो है ये यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जैसा मर्जी आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है मैं दिखा दूंगा यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतना टाइप कर दिया है। अब इसके बाद आप लोगों को करना क्या है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए गाइस यहाँ पे जब आप इतना कर दोगे तो आपको उसको सेंड कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप लोगों को कोई भी ट्रिक इस अपने इस पर जो अप्लाई नहीं करनी है, कुछ भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है गाइस, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि इसी बीच में जो है आपका अकाउंट चेक किया जाएगा। एंड इसी बीच में जो है वो चेक करेंगे कि आपके में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ठीक है, फिर उसी के हिसाब से आपको जो है वो ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगर गाइस अगर आप कोई छेड़खानी करोगे तो गाइस आप लोगों को जो है जो ऑप्शन मिलने वाला वो भी नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को थोड़ा मतलब कि 48 घंटे तक वेट करना है, उससे पहले ही मिल जाएगा आप सभी को। ठीक है, बाकी गाइस यहाँ तक अगर इंस्टाग्राम तक आओगे तो गाइस यहाँ पे फॉलो भी कर लेना मेरे को। बाकी गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फोटोज़ वगैरह अपलोड कर रखी है। बाकी गाइस आज की हमारी वीडियो यहीं रहती है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।